नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई जो है आपको कुछ पूछना हो पर्सनली, तो पूछ सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, इंस्टाग्राम आईडी भी दिया है, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की जो है मुझे जो है कई लोगों के जो है कमेंट आए थे कि मैम जो है अगर जो है लेडीज हैं उनको बहुत गैस बनती है, फार्ट होता है, तो क्या करें कि गैस जो है बनना धीरे धीरे जो है कम हो जाए। तो आज ही टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छी सी होम रेमेडी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैस बनता क्यों है। गैस इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारा खान पान जो है जब अनियमित हो जाता है और हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है, ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तो वही खाना जो है पचता नहीं है। अगर हम हल्का खाना खाएं और ज़्यादा फल को अपनी जो है आहार में शामिल करें, हरी साग सब्जियों को शामिल करें, तो जो है खाना अच्छे से पचने भी लगेगा और डाइजेशन भी अच्छे से जब होगा तो हमारे जो है पेट में ना ही गैस बनेगा और ना ही जो है पेट फूलने की जो है समस्या। तो डाइजेशन जब हमारे पेट में जो है सही से होगा तो हमें अच्छे से नींद भी आएगी। और जब डाइजेशन हमारा जो है खाने का नहीं होता है तो होता क्या है, हमें बेचैनी लगी रहती है, बार बार जो है शौच जाने का मन करता है, पेट भारी भारी लगता है, फूल जाता है, डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, कई तरह की डकारें आती हैं। और जब पेट में ज़्यादा गैस बनता है तो सर में भी चढ़ जाता है। और अगर गैस बेकार के रूप में या फॉल्ट के रूप में ना निकले बाहर तो जो है पेट फूल जाता है और तब हो जाती है हम लोगों को बदहजमी। और बदहजमी जब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इसका एक नुस्खा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो मैंने खुद के लिए भी अपनाया था जब मेरी बिटिया हुई थी तब। और ये नुस्खा मेरी जो है बाबा ने मुझे बताया था और बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा नुस्खा है। तो आप लोग भी अपनी डाइट में इसको ज़रूर लीजिएगा। करना क्या है, आपको लेना है एक गिलास पानी और उसको गर्म करना है, उतना ही गर्म करना है, मतलब जितना जैसे आप चाय पीते हो उतना गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, ना ही गुनगुना गर्म करना, थोड़ा सा गुनगुने से ज़्यादा गर्म करना है। और उसके बाद एक गिलास आपने पानी लिया और सुबह खाली पेट इसको लेना है और उसके बाद उसमें एक नींबू निचोड़ के डालिएगा, एक पूरा नींबू निचोड़ के डालिएगा, याद रखिएगा इस बात को। और अपने स्वादानुसार आप लोग लीजिए काला नमक और दोनों को अच्छे से मिला के जैसे आप चाय पीते हो सिप सिप करके उसको वैसे ही पीना है। और कम से कम 4-5 मिनट तो लग जाएगा अगर एक गिलास पानी आप सिप सिप करके पियोगे और पानी गर्म रहेगा। और उसके बाद जो है आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। और यही काम आपको शाम को भी करना है। शाम को कब करना है, जो शाम वाली आप चाय पीते हो ना उसके पहले करना है। हो सके तो चाय पीना बिल्कुल ही कम कर दीजिए आप लोग, क्योंकि चाय पीने से भी गैस बनता है और दिक्कत होती है डाइजेशन में, क्योंकि चाय भी जो है गैस बनाता है, हमारे भूख को मारता है। बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है चाय, लेकिन दो टाइम पीजिए उतना बहुत है। तो शाम को भी वही काम करना है, आपको लेना है एक गिलास पानी और गर्म करना है उसको, एक नींबू निचोड़ना है, स्वादानुसार उसमें काला नमक डालना है और उसको अच्छे से मिला के आपको सिप सिप करके पी जाना है। और आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आप पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ खा नहीं सकते हैं। और बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आएगा, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। आपका पेट फूलना जो है बंद हो जाएगा, आपको जो खट्टी डकारें आती हैं वो भी बंद हो जाएंगी और आपको जो मतलब डाइजेशन नहीं होता है आपके पेट में खाने का वो भी बहुत अच्छे से होगा और आपको भूख बहुत अच्छे से लगेगी। जब खाना आपका पचेगा ना, तो खाना जब पचता है तो शरीर में वो खाना लगता है और जो खाना जो है पचता नहीं है वो खाना शरीर में नहीं लगता है, तो खून भी अच्छे से नहीं बनता और हमारा शरीर जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये नुस्खा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई लोगों के मेल आए थे
तो मैंने वीडियो बनाई है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।